मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राजस्थान जयपुर रू अयोध्या 750 किलोमीटर रो पदयात्रा आउ सेई भली जने व्यक्ति आम सहित रही जे कि 750 किलोमीटर चली चली से राम लाला को दर्शन करने को आसी सीधा सड़क सहित आलोचना करवा प्रकृत में जापे भक्ति जिते बड़े गोटे मस लगी चली चली अयोध्या आसी पहुंचा को आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा प्रतिक्रिया ना थोड़ा परिचय दीजिए आप। जी मेरा नाम नितेश शर्मा है, जय श्री राम। और मैं जयपुर से 17 दिसंबर को चला था और कल मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मुझे 30 दिन का सफर लगा है इस यात्रा को तय करने में और बड़ी यहाँ पर अयोध्या धाम को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है इसलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मैं त्रेता युग की ओर आ गया हूँ। रामलला का दर्शन हुआ, रामलला का दर्शन करके मैंने अपने आप को बड़ा ही गर्व है माना और मुझे ऐसा लगा कि रामलला का दर्शन करके मेरा जीवन जो है सफल हो गया। नहीं, कष्ट का तो बात ही नहीं होता क्योंकि राम जी का मैनेजमेंट था। राम जी ने ऐसे हथेली पे रख के मुझे लेकर आए हैं तो कष्ट तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ अच्छा रहा वैसे। हाँ बाकी हाँ ऐसे तो कोई कभी कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी सब कुछ बढ़िया रहा जी। प्रतिक्रिया सुनते 750 किलोमीटर चली चली आसुचंदी किंतु किछ कष्ट तांको अनुभूति होइनी काहेकि ना से निजे कहिले मते लागिसला जेमती रामलला हातरे ही मते नै आसिचंती तांको ठारु जेहेतु से हम पाखरे अछंती एते दूररु आसिचंती तांको ठारु नियाति बारे कोड भजन सुनबा रामललांकर रामलला के भजन गाइए। रामलला का एक भजन गाइए। एक्चुअली मुझे भजन रामलला का नहीं आता, कृष्ण जी का। अच्छा वो वाला सुना देता हूँ। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण तांको ठारु भजन भी सुनुथले, तांको ठारु आमे प्रतिक्रिया भी नउथलु। प्रकृतरे केते खुशी अछंती से जेहेतु पादरे चालिके आछंती किछि 2-3 किलोमीटर कथा नुहे, ए होची 750 किलोमीटर गोटे लंबा पदयात्रा केवल सेई रामलालांक पई। अयोध्यारु कैमरा पर्सन अंजनक सह विद्युत प्रभाक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।